हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे और एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सुबह है क्योंकि रोज़ का यही होता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करवाने होते हैं, खाना नाश्ता वगैरह 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 वगैरह, तो ये बगेरी बगेरी के चक्कर में हालत ख़राब है। तो बच्चे भी सो रहे हैं, माही तो उठ चुका है, पीहू सो रही है। करती हूँ जल्दी जल्दी चाय बना के दोपहर से आपको मिलती हूँ। आपके बच्चे जा चुके हैं मेरे स्कूल, और यहाँ देखो मेरा काम किचन में, डस्टिंग, बर्तन, और थोड़े आटा बच गए थे, जल्दी जल्दी रोटी सेक लूँ क्योंकि रोटी बना लेना थोड़ा ही बच गया था, तो फटाफट सेक लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ठाकुर जी की पूजा भी करनी है, नहाना भी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई, तो करके मिलती हूँ। सो गाइज, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा है, बच्चों को लाने भी जाना है। मैं जल्दी जल्दी लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कल सौरभ जोशी का ब्लॉग आज क्यों नहीं आया माही? 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ, 5 सालों में उसके ब्लॉग नहीं आए। क्यों नहीं आया माही? मुझे आदत है उसके ब्लॉग देखने की, तो मुझे बड़ा अजीब सा हो रहा है मन, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों हो गया बंदे के साथ, क्यों नहीं उसका ब्लॉग आया। बिकॉज ही सच अ मैन, सच गाइस, बहुत अच्छा आदमी है, काफ़ी क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है। तो मैं मतलब उसी से सीखी भी हूँ और उसी को देख के मेरा मन कहा भी कि करते हैं सिंपल चीज़ें। ऐसे छुप छुप के न देखो, लेकिन छुप छुप के देखने से देखने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के देखने से देखने का मजा तो आएगा। तुम लाख छुपाओ थोबड़ा मगर, तुम लाख छुपाओ थोबड़ा मगर, मुंह पर तिलवा तो दिख जाएगा। ऐसे छुप छुप के देखने से तुम्हारा थोबड़ा तो और बेकार हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर नैनीताल गया था, फिर उसकी थार का पंचर हो गया और पंचर में वो गंजा हो गया, और गंजा हो गया उसने अपने सारे बार उसके टायर में घुसड़ दिए, और फिर जब टायर बना तो फिर वो फट गया, और फिर उसके खून थार में से खून निकलने लगी, फिर उसके फॉर्चुनर लेके गया था, फॉर्चुनर से खून निकल गया, और फॉर्चुनर का हो गया देहांत, फिर वहीं पर उसको अंदर से हम करने लगा, और फिर उसने ब्लॉग नहीं बनाया होगा, या फिर इसके लिए कुनाली ने उसके पीसी पे सुसू कर दिया हो, या फिर तो ओरियो ने कुनाली ओरियो ने वो पीसी पे हक दिया हो और इसीलिए वो उस पर चला नहीं पाया हो। हो सकता है क्या, तो उसकी मम्मी ने उसको 4 डंडे मारे हो कि ब्लॉग मत करा, या तो उसने सस्पेंस के लिए ऐसा करा कि अब नेक्स्ट ब्लॉग का टाइटल होने वाला है कल मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो इसीलिए शायद वो अपने सुपर वैसे दिखाना चाहता है, और जैसे उसके नए नए व्यू आए तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये सारी ट्रिक मुझे सीखनी है तो मुझे 5 रुपये दे दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मम्मी चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं अपने रोज एक नई ट्रिक वाली वीडियो लाता हूँ जिसके लिए आपको चप्पल चोर भीख मांगे भूखे नंगे सारे खस्सी कलंडी का लड़के, आजकल के बड़े बड़े लड़के कोटी बंगले वाले चुंगम चबाते ताकि उनको लगे कोई कोटी बंगले वाले हैं, और रोज अपना ब्लॉग ना डाल के दूसरे को परेशानी में डाल देते हैं। क्या है, एक सांस में बोल एमिनेम, इतना गंदा पाद रहा था बोलते समय, मैं कैसे अपने आप को बर्दाश्त करिए, मेरा नाक जानता है कि आज मेरे नाक ने जो कुर्बानी दी होगी ना भाइयों और बहनों, ये किसी और ने कभी नहीं दी होगी, जो मेरे नाक ने आज बर्दाश्त की है ना भाइयों और बहनों, ऐसा कभी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी इस लड़की को वायरल कर दो, ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, ये चोमू सी शकल वाला लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। पीयू चलो, ट्यूशन लेट हो रहा है।
चलो इसको ट्यूशन। क्या है? ये है छोटी छोटी भूत का बड़ा बड़ा इलाज। तो बहुत अच्छा है गाइज। आप बताओ किसने किसने कुल्फी खाई? वैसे सबने खाई होगी, लेकिन ये वाली देखो, इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स है। किसने किसने खाई है जल्दी कमेंट करो। देखो कितना अच्छा है। वाओ खाना अच्छा। हाँ मारवाड़ी चीनी। आपने कभी मारवाड़ी कुल्फी खाई है? मैंने भी नहीं खाई, लेकिन वो सबसे अच्छे हो। हाँ अमूल का है मारवाड़ी कुल्फी, वही है तो उस पर लिखा। और मारवाड़ी कुल्फी को मार वाला नहीं बना हुआ है कि भात पसा के बना देगी मार से। पिस्ता कुल्फी को तो लिखा नहीं रहता। जो अमूल का नहीं लाते थे वो बड़ी स्वाद लाते थे, रबड़ी। अभी भी मिल जाएगा, शुगर फ्री भी मिलते हैं 30-30 रुपए के शुगर फ्री। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज ना सौरभ जोशी का ब्लॉग नहीं आया। 5 सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ कि उनका ब्लॉग टाइम से नहीं आया। बच्चे का ब्लॉग 8 बजे टूटी में पानी आए ना आए, कचरा की गाड़ी आए ना आए, लेकिन उनका ब्लॉग आ जाता था 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 12 1 2 3 4 और नहीं आया। ईश्वर करे उनके घर में सब कुछ ठीक हो और सब परिवार स्वस्थ हो, मैं ये कामना करूँगी ठाकुर जी से। क्योंकि भाई कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब वो किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, ब्लॉग 8 बजे आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं ये देखी हूँ, मैं ब्लॉग शुरू से देख रही हूँ। तो जंगल में भी जब वो रहते थे ना, तो ब्लॉग को अपलोड करने के लिए 3-3 घंटे का सफ़र करके आते थे। बकायदा एक रात पहले पहुंच जाते थे कि यहाँ वाईफाई नहीं है तो मैं होटल में रुक जाऊँगा, होटल में रुक के वाईफाई इस्तेमाल करके वो अपना ब्लॉग को अपलोड कर देते थे ताकि 8 बजे ब्लॉग आ जाए। बट ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका ब्लॉग 8 बजे नहीं आया, इवन अभी तक नहीं आया। तो मेरे साथ साथ मेरे जितने भी व्यूवर हैं, प्लीज़ उनके लिए प्रे करें कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो। आई होप ठाकुर जी करें कि कुछ भी उनके साथ बुरा ना हो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका डेली रूटीन ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया चलता रहे। माता सेरा वाली उन पर हमेशा ही कृपा बनाए रखे अपनी, और आप सबकी दुआ और आप सबका प्रेयर उनके साथ रहे। गाइस गुड इवनिंग, शाम के स्वागत है आपका हमारे यहाँ पोहा पे। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पोहा और एक के लिए बना रही हूँ मैक्रोनी। वो को मैक्रोनी खाना है तो वो अभी उबल गया, पोहा खाना है पीहू को, तो ये बन चुका है। ये देखो कांदा पोहा बना है, पीहू के लिए मैक्रोनी उबल रहा है, मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय खिलाती बच्चों को। आइए आपका स्वागत है, इंजॉय दिस पोहा एंड मैक्रोनी। मैं खा रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। देखिए मेरी बेटी इंजॉय कर रही है पोहा, गुस्से में क्योंकि पिटी है। मैं इंजॉय कर रही हूँ पोहा, माही इंजॉय करेगा मैक्रोनी। कांदा पोहा कुचुर कुचुर बना है। हे गाइस, पूजा उजा हो चुकी है कंप्लीट और खाना ना जा रही बनाने। रोटी सब्जी बनाऊंगी, आलू बीन्स की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। मैं ब्लॉग यहीं पे एंडिंग करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय। ये तो जल्दी जल्दी मैं बोली, अब मुझे बहुत अफसोस है सौरभ जोशी का ब्लॉग नहीं आया। प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो अब तो कर लो।